नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों एक खुशखबरी आपके लिए है। खुशखबरी ये कि एक बहुत बड़ा अपराधी, उम्र तो ज़्यादा नहीं थी पर कारनामे उसके उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े थे। 20 साल की उम्र में उस अपराधी ने कम से कम 2500 से ज़्यादा लोगों का धोखे से वीडियो बनाकर उनसे करोड़ों रुपये की ठगी की थी। मामला है दिल्ली का, दिल्ली के द्वारका का। दोस्तों अभी हाल ही में आप जो ये अपराधी देख रहे हैं इसका नाम है मुस्तकम खान, इसका नाम है। कितने उम्र है इसकी? 20 साल उम्र है। और इसने हाल फिलहाल दिल्ली के एक व्यक्ति से 18 लाख रुपए सेक्सटोर्शन के मामले में ठग लिए। आप मामला सुनेंगे तो अचरज में आ जाएंगे। बट खुशखबरी ये, इसको पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसने बहुत खुलासे किए हैं। इसके पास तेहरा सिम, वो सिम कार्ड के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, कहाँ से इसने वो तेहरा सिम कार्ड लिए। बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इसको गिरफ्तार किया राजस्थान के अलवर के रामगढ़ तहसील से। दोस्तों मामला कुछ ये है, दिल्ली पुलिस ने सेक्सटोर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में राजस्थान से आरोपी मुस्तकीम को गिरफ्तार किया गया है। द्वारका के डीसीपी हर्षवर्धन के मुताबिक साइबर पुलिस स्टेशन द्वारका में एक शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया था जो कि अश्लील था। शिकायतकर्ता ने कुछ देर तक लड़की से बातचीत की और कॉल बंद कर दी। इसके बाद 1 अगस्त 2022 को शिकायतकर्ता को फिर एक शख्स का फोन आता है और उसमें वो अपना परिचय पुणे के SHO अरुण रावत के रूप में बताता है। दोस्तों जो पीड़ित व्यक्ति है उसका वीडियो बन गया, उसके बाद भाई ने फोन बंद कर दिया। उसके बाद जब ऑन करता है तो 1 अगस्त को भाई अपना फोन ऑन करता है, तब भाई के पास एक फोन आता है जो अपने आप को महाराष्ट्र के मतलब पुणे के SHO अरुण रावत, वो ब्लैकमेलर भाई को बताता है। शख्स ने बताया, मतलब अरुण रावत भाई से कहता है कि लड़की जो थी उसने आत्महत्या कर ली है और आपके ऊपर आपका जो नंबर है लड़की की कॉल डिटेल में मिला है, आपके ऊपर हत्या में उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखिए, शख्स ने बताया कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है और उसके कॉल लॉग में आपका मोबाइल नंबर मिला है। उसने बताया कि शिकायतकर्ता पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और कॉल करने वाले अरुण रावत ने शिकायतकर्ता को पुणे पहुँचने के लिए कहा। इसके अलावा आरोपी ने पीड़ित को एक मोबाइल नंबर भी दिया और शिकायतकर्ता को SI विक्रम राठौड़ से संपर्क करने के लिए कहा गया। इस पर शिकायतकर्ता ने दिए गए नंबर पर संपर्क किया, जिसने उन पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाया। मामला थोड़ा समझिए, मैं समझा देता हूं आपको। जो SHO अरुण रावत, अपने आप को पुणे का SHO अरुण रावत बताता है, वो भाई के पास फ़ोन करता है। भाई से फ़ोन करके कहता है कि भैया आपके ऊपर किसी लड़की को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है, एक लड़की है, उसका कोई वीडियो YouTube पर अपलोड हो गया था, उसने उसके बारे खुदकुशी कर ली है और उसकी कॉल डिटेल में आपका नंबर लिखा है और अब आपके ऊपर ये मामला दर्ज हो चुका है। आप अगर बचना चाहते हैं तो हम आपको एक नंबर देते हैं, यानी कि जो अपने आपको SHO अरुण रावत बता रहा है पुणे का, वो पीड़ित भाई को एक नंबर देता है SI विक्रम राठौड़ का, मतलब SI विक्रम राठौड़ का एक नंबर देता है और उससे कहता है कि इनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लो वरना मुसीबत में आप पड़ जाओगे। जब भाई उस SI विक्रम राठौड़ के पास फ़ोन करता है तो जो विक्रम राठौड़ है वो भाई के ऊपर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाता है। दबाव बनाने के बाद, अभी सुनिए, ख़त्म नहीं हुआ, दबाव बनाने के बाद मतलब जो शिकायतकर्ता, जो पीड़ित भाई है, वो अलग अलग बैंक खातों में लगभग 18 लाख रुपये जमा करवा देता है। दोबारा सुन लिए, अच्छे से समझ में नहीं आया तो, 18 लाख रुपए भाई उन लोगों को जमा कर देता है उनके अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट में। इसके बाद पीड़ित एक दूसरे, यानी कि पीड़ित के पास दूसरे मोबाइल नंबर से, जो भाई जो पीड़ित था उसके पास दूसरे मोबाइल नंबर से एक फोन आता है जो अपने आप को CBI अधिकारी बताता है और भाई को मुंबई आने के लिए कहता है। भाई तो यार SHO ने SI के नंबर दिए, SI से बात की तो 18 लाख रुपए अलग अलग खातों में डाल दिए, फिर भाई के पास CBI का फोन आता है, वो भाई को मुंबई बुलाता है। अब यार पीड़ित भाई ने सोचा साला 18 लाख रुपए दे दिए, अब भी फोन आ रहा है, तो वो जो शुरुआत में SHO जो होता है, जो शुरुआत में भाई के पास फोन करता, भाई उसके पास, उस SHO के पास दोबारा फोन लगाते हैं
और फोन लगाने के बाद उनसे कहते हैं कि ऐसे संपर्क किया कि भाई या तो मतलब दोबारा मेरे पास फोन आ रहा है, तो वो उनसे कहता है कि आप एक काम कीजिए, 3 लाख रुपए और आपको देने पड़ेंगे। 18 लाख ऑलरेडी दे चुका है, 3 लाख रुपए और उनसे मांगा गया। तो एक बात थी कि भाई समझ गया कि यार ये तो तुझे ठगा लिया, मतलब तुझे ठग लिया गया है। अब दुखी मन से भाई अपने साइबर थाने, द्वारका साइबर थाने में पहुंचते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस जाल बिछाती है, पुलिस जब जांच करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि सारे नंबर उस समय बंद थे। यार बंद तो होंगे, 18 लाख रुपए ठग लिए हैं, 18 लाख रुपए जो लोग ले चुके हैं वो तो अपना नंबर अभी बंद करेंगे, उनको नंबर लेने की, वो नंबर चालू रखने की आवश्यकता उनको है कहाँ। तो उसके बाद क्या है कि पुलिस ने जब जांच की, उनकी सीडीआर रिकॉर्ड निकाली, सीडीआर रिकॉर्ड के बाद जब चेक किया कि यार किस नेटवर्क से बातचीत कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस की जो द्वारका साइबर सेल है उनको लोकेशन मिली राजस्थान के अलवर जिले की, अलवर जिले में रामगढ़ तहसील की। वहाँ पुलिस ने अपनी टीम को भेजा, कुछ दिन सर्वेलेंस में रखा, फिर एक अपराधी जिसका नाम मुस्तकिम था, जिसकी उम्र 20 साल थी, छापेमारी करके उसको गिरफ्तार कर लिया। जब मुस्तकिम भाई की पिछवाड़े पे मस्त मस्त सोटे बरसाए गए, अच्छा इलाज किया गया, तो मुस्तकिम ने बताया कि उसने ये जो सिम थे फर्जी, ये किसी साहुन नाम के व्यक्ति से 2600 रुपये में खरीदे थे। साहुन नुह का रहने वाला है, और 2600 रुपये में कुल 13 सिम इस मुस्तकिम खान भाई ने उस साहुन से खरीदी थी। साहुन अभी फरार है, पुलिस साहुन की तलाश कर रही। साहुन के ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपये का एक इनाम भी घोषित किया है। फोटो जो अभी भाई पुलिस के पास नहीं है, बट जल्द फोटो आएगा तो उसको जारी करेंगे। अपराधी का फोटो आप देख ही चुके हैं। तो ये पूरा मामला था, किस तरह से एक 20 साल का लड़का, 20 साल का एक युवा नौजवान दिल्ली के किसी व्यक्ति के पास फोन करता है, उसकी धोखे से वीडियो बना लेता है, उसके बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है, वो उससे काम नहीं होता है तो उसको अलग तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है। उसके पास फोन किया जाता है और उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आपने कल जिस लड़की से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी, वो जिस भी तरह की तुम्हारी बातचीत थी, लड़की का वो वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और शर्म के मारे लड़की ने कर ली खुदकुशी, और कॉल डिटेल में तुम्हारा नंबर आया है, इसलिए लड़की को खुदकुशी के लिए उकसाने में आपके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अगर बचना चाहते हो तो एक नंबर है, ये SI विक्रम राठौड़ का है, उससे बात करो और अपने मैटर को सोल्व करो। जब भाई उस SI विक्रम राठौड़ से बात करते हैं तो भाई से पैसों की डिमांड की जाती है। भाई अलग अलग खातों में 18 लाख रुपये भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद भी भाई का पीछा नहीं छोड़ा जाता है। CBI ऑफिसर का फोन आता है, भाई से कहता है वही सेम चीज। जब भाई सोचता है कि यार पैसा दे चुका हूँ, उसके बाद भाई फिर वापस फोन करता है उस जो शुरुआत में जो अपने आप को SHO बता रहा था पुणे से, अरुण रावत के पास, उससे फोन करके कहता है कि यार मुझसे तो दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं। वो कहता है कि अगर देखिए भाई इसमें CBI भी इन्वॉल्व हो गई है, अगर बचना चाहते हो तो 3 लाख रुपये आपको और देने पड़ेंगे। भाई समझ जाता है कि मामला थोड़ा पेचीदा है और यहाँ तुम फंस चुके हो। उसके बाद मजबूरी में भाई द्वारका साइबर सेल में जाता है, वहाँ से उनकी मदद होती है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। पैसा कितना रिकवर हुआ और बाकी कितने अपराधी, मतलब कि एक ही अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुआ, 20 साल का मुस्तकमी खान, और उससे पूछताछ, शुरुआती पूछताछ में पता चला कि उसने 13 सिम 2600 रुपये देकर 13 फर्जी सिम खरीदी थी मेवात के साहून से। अब पुलिस साहून की तलाश कर रही है। साहून जब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा तो साहून से ये पूछा जाएगा कि तुमने कौन कौन से सिम किस किस व्यक्ति को दी है, तो इसमें एक बहुत बड़ा रैकेट फंस सकता है, क्योंकि वो सिम बेचने वाला, सिम सप्लाई करने वाला, सिम लोगों को देने वाला पकड़ा गया तो वो खुलासे करेगा पुलिस के सामने। तो जैसे ही इस मुद्दे पर कोई अपडेट मिलता है हम आपको ज़रूर बताते हैं, ठीक है। ये खबर थी, आपको थोड़ा संतुष्ट सुकून मिले इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। तो दिल्ली पुलिस के द्वारका साइबर थाने की आपके के लिए बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, दोस्त शब्द अपनी तरफ से कहना चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। वैसे आज के इस वीडियो में इतना ही,
जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।